हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर सॉल्यूशन में वेलकम है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोरल इन पेज की कोई फाइल कोरल में आप उर्दू में लिख के कैसे लाएं। अक्सर करके जो उर्दू के बच्चे होते हैं वो इन पेज में तो लिख लेते हैं, लेकिन ये कोरल में वो फाइल उर्दू का नहीं ला पाते और कोरल में डिज़ाइन बनाकर बेकार रहती। तो आप पहले एक काम करें कि पहले कोरल में जो डिज़ाइन बनाना है बना लें, फिर इन पेज खोल लें, और इन पेज खोलने के बाद जो भी मैटर आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर लें, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ टाइप कर लिया, और टाइप करके मैं इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि और उसके बाद फिर आपको यहाँ देखिए ध्यान से लेफ्ट साइड और ऊपर टॉप की साइड एक एरो है, एरो पे क्लिक करिए, और एरो पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पन्ने पर क्लिक करिए, ठीक है। इस पन्ने पर क्लिक करिए, फिर आप फाइल में जाइए और यहाँ पर मिलेगा एक्सपोर्ट पेज, है ना। एक्सपोर्ट पेज पर आप यहाँ क्लिक करिए, फिर आप यहां से एक ये बॉक्स खुल के आएगा। इस बॉक्स में आप ब्राउज पे जाइए, और ब्राउज में जाने के बाद उस रैक को चुनिए जिस रैक में आपको फाइल सेव करनी है। डेस्कटॉप में चुन रहा हूँ। फिर यहां पे आप क्लिक करके नाम टाइप करिए जिस नाम से आपको फाइल एक्सपोर्ट करनी है। मैं आमिर समर नाम से फाइल टाइप कर रहा हूँ, और यहाँ पर ध्यान है कि नीचे आपको यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप पोस्ट स्क्रिप्ट चुनिए, है ना। पोस्ट स्क्रिप्ट चुनने के बाद आप यहाँ से सेव पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये फाइल आपकी सेव हो गई। अब आप यहाँ से नीचे से मैं कोरल खोल रहा हूँ, और कोरल में ध्यान रहे आपको जाना है अब फाइल में, और फाइल से यहाँ से जाना है आपको इम्पोर्ट में, ध्यान रहे इम्पोर्ट में जाना है। इम्पोर्ट में जाने के बाद ये बॉक्स आपका खुल के सामने आएगा। इस बॉक्स में आप वो रैक चुनिए जिस रैक में आपने रखा हुआ। डेस्कटॉप में मैंने सेव किया, डेस्कटॉप मैंने चुन लिया, और यहाँ से मैं फाइल चुनना है मुझे आमिर समर। मैंने ये आमिर समर नाम की फाइल सेव किया था, मैंने इस पर क्लिक किया, ये फाइल नेम यहाँ आ गया। अब ध्यान रहे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती को लोग करते हैं, यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट लगा रहता है और इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपका है कि यहाँ पर क्लिक करके आप ये चुनें PS PRN, ये EPS, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका नहीं आना, नीचे बिट मैप ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद आप इम्पोर्ट कर देंगे, यही गलती ज़्यादातर लोग करते हैं, इसको नहीं चुनते हैं, और फिर इम्पोर्ट आप कर देंगे। तो इंपोर्ट करने के बाद ये आपका यहाँ पे ये बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में आपको ये दूसरी गलती ये भी लोग करते हैं, ये कम MB रहता है, इसको बढ़ा लें थोड़ा, है ना। बढ़ाने के बाद यहाँ कर्व रखें और ओके कर दें। ओके कर दें, ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको ये इसे माउस बटन दबाए हुए ऐसे ड्रैग करना है, और ड्रैग कर दें क्या होगा, मैटर आपका उर्दू का जो भी होगा वो आपके कोरल में आ जाएगा। फिर इसको जो भी आपको कलर वगैरह करना है आप यहाँ से इसको कलर कर लें। ये देखिए इस तरीके से आपका बन गया। तो इस तरीके से ये आपकी इन पेज की फॉन्ट जो है लिखावट आपकी कोरल में बड़े आसानी से आ जाएगी। इस वीडियो को 2-3 बार देखें तब बात समझ में आएगी। ये वीडियो मैंने स्पेशली आज भर डाला है। मैंने अभी वैसे मैं डिटेल में कोरल के बारे में और इन पेज के बारे में पूरी अलग से वीडियो पूरी डिटेल बनाऊंगा, ताकि आप अच्छे से कोरल की पूरी एक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप पूरी तरीके से कोरल सीखकर प्रोफेशनल वर्क कर सकें या अपना वर्क कर सकें। और इन पेज की भी मैं पूरी वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आप टोटली इन पेज को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और वर्क कर सकेंगे सारे उर्दू के काम, और कोरल के भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी आज मैंने ये इसलिए कि कुछ उर्दू के बच्चों को इधर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो वो उनको याद रहे, उनके मेमोरी में रहे। तो आज के वीडियो में बस आज भर के लिए है, बाकी आगे से कल से एक्सेल भी डिटेल चलेगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और लोगों से सब्सक्राइब कराएं। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एंड बाय।